कर मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने सीएनबीसी आवाज के होस्ट हेमंत घई उनके खिलाफ कड़े तेवर अपनाए। सेबी ने उनको ऐसा बोला कि हम जब तक आपको डायरेक्शंस नहीं देंगे तब तक आप शेयर मार्केट में डीलिंग नहीं कर सकते, ना ही शेयर्स रिलेटेड आप एडवाइसेस दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप कोई भी बातें नहीं बोल सकते हो। अब सेबी ने ऐसे कड़े तेवर क्यों अपनाए हैं, आइए लेते हैं हम उस बारे में जानकारी। तो ये सेबी का ऑर्डर है, सेबी ने यह ऑर्डर इश्यू किया है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 के तहत। इसको हम जानते हैं PFUTP 2003 के तहत हम इसको जानते हैं इंडिया में। तो सेबी ने अपने कौन से मुद्दे रखे हैं, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो सेबी ने सबसे पहले बोला है कि हेमंत घई जो है ये एक टीवी शो करते थे, ये शो का वो होस्टिंग और को होस्टिंग करते थे, शो का नाम था स्टॉक 2020। ये शो आता था सोमवार से शुक्रवार तक, ये शो एयर होता था सवेरे 7:20 पे। हर रोज ये शो आता था सवेरे 7:20 पर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ये स्टॉक 2020 का ये शो है, ये शो के तहत हेमंत घई है वो लोगों को एडवाइस देते थे कि आज पूरा दिन में आप कौन से शेयर खरीदने वाले हो और कौन से शेयर बेचने वाले हो, ऐसे तरीके के रिकमेंडेशंस वो लोगों को देते थे। आज पूरा दिन में आप क्या करोगे, कौन से शेयर खरीदो और कौन से शेयर बेचो, ऐसा एडवाइस ये शो के जरिए हेमंत घई दिया करते थे। तो सेबी को ऐसे नजर आया कि जया घई और श्याम मोहिनी घई, जया घई मतलब हेमंत घई की धर्मपत्नी और श्याम मोहिनी घई मतलब हेमंत घई की माताजी, ये दोनों ने BTST के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो, इसके तहत बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं और ये सारे ट्रांजैक्शन जो है ये सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हेमंत घई के रिकमेंडेशन से। अब हेमंत घई के रिकमेंडेशन से कैसे सिंक्रोनाइज कर रहे, मतलब मान लो कि आज सोमवार है और आज सोमवार को ये जया और ये श्याम घई ये दोनों ने 100 शेयर्स खरीदे ABC कंपनी के। फिर अगले दिन क्या होता है, मंगलवार को सवेरे हेमंत घई क्या करते, अपने शो में लोगों को एडवाइस देते हैं कि आप ABC कंपनी के शेयर्स खरीदो। फिर ये जया और श्याम ये दोनों अपने पास जो एक दिन पहले सोमवार को खरीदे हुए 100 शेयर थे वो मार्केट में ला के बेच देते थे और उससे ढेर सारा मुनाफा कमाते थे। क्योंकि एडवाइस मिलने के बाद, हेमंत घई के एडवाइस के बाद शेयर की प्राइस अपने आप बढ़ती थी और ये दोनों अपने एक दिन पहले खरीदे हुए शेयर से वो बेच देते थे, ऐसी बात सेबी के नजर आई। ये सारे जो ट्रेड किया करते थे, ये ट्रेड वो करते थे मोतीलाल ओसवाल फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MAS कंसल्टेंसी मेहसाना गुजरात के थ्रू। आगे सेबी ने ऐसा बोला है कि ये दोनों ने जो ट्रांजेक्शन करे, जया घई और श्याम घई, ये वायलेट कर रहे प्रोविजन सेबी एक्ट के और साथ ही साथ PFUTP रेगुलेशन को वायलेट कर रहे। ये ट्रांजेक्शन करके ये दोनों ने कमाए 2.95 करोड़ रुपीज लगभग इन्होंने कमाए हैं ये ट्रांजेक्शन के थ्रू। सेबी आगे बोलते हुए नजर आते हैं कि इन्होंने BTST ट्रांजेक्शन किए थे, BTST मतलब आज खरीदो कल बेचो। जनरली ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट दिन होता है 2 दिन बाद, मतलब मान लो कि आज सोमवार है और आज आपने अगर शेयर खरीदे है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आज ही आपको शेयर की डिलीवरी मिलेगी, आज आपका सिर्फ बुकिंग होता है, आपको 2 दिन बाद शेयर की डिलीवरी होती है, मतलब बुधवार को आपको शेयर की डिलीवरी होगी। अगर आप आज शेयर खरीदे आपने तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे बुधवार को। अगर आपने शेयर्स बेचे है, मान लो आज सोमवार है और आपने शेयर्स बेचे है, तो भी आपको शेयर्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी बुधवार को, साथ ही साथ आपको पेमेंट मिलेगा बुधवार को। तो 2 दिन का ट्रांजेक्शन का टाइम होता है, T+2 हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये BTST के तहत ये लोग क्या करते थे कि मान लो कि आज सोमवार है, इन्होंने शेयर्स खरीदे तो ये तुरंत मंगलवार को बेचते थे। इसका मतलब इनको भले ही शेयर बुधवार को इनके अकाउंट में आने वाले हैं, लेकिन ये मंगलवार को ही शेयर आए बिना ही ट्रांजैक्शन एंटर कर देते थे और शेयर जो अकाउंट में आए भी नहीं उनका व्यवहार करके उनको बेच भी देते थे। इसको हम बोलते हैं BTST कि 2 दिन के बाद आपको एक्चुअली ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होना है, लेकिन आप एक दिन में ही ट्रांजैक्शन दूसरा ट्रांजैक्शन एंटर करते हो, इसको हम बोलते हैं BTST। सेबी ने उनके खिलाफ अलग अलग एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करी। तो सेबी को ऐसा नजर आया कि इनके जो KYC डिटेल्स है, जो मोतीलाल ओसवाल फिनेंशियल सर्विसेज, कोटक सिक्योरिटीज
OHM स्टॉक ब्रोकर्स, ICICI सिक्योरिटीज, बैंक स्टेटमेंट जो है कोटक बैंक के, ये सारी जगह पे सेम एड्रेस दिया गया है, सेम एड्रेस, साथ ही साथ ईमेल आईडी, ये सब सिमिलर सेबी को पाया गया। यहाँ पे उन्होंने अपने को ये दिया है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हेमंत घई जो है ये को होस्ट शो के और इनका कॉमन एड्रेस है, जया घई और श्याम मोहिनी घई इनका कॉमन एड्रेस है, और श्याम मोहिनी घई जो है ये अपने अकाउंट से फंड भी ट्रांसफर करती है जया घई को। मतलब यहाँ पे नजर आया कि हेमंत घई है ये खुद ही ये दोनों के बिहाफ में ट्रांजैक्शन करते थे, इनके नाम पे उन्होंने अकाउंट ओपन करके रखते थे और ये खुद ही ट्रांजैक्शन करते थे इनके नाम से। आगे सेबी ने अपने को एक चार्ट दिया है, यहाँ पे सेबी ने बोला है कि इन्होंने एनएसई में कितने ऐसे ट्रांजैक्शंस किए थे, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस मतलब एक दिन पहले ये जया और श्याम जो है खरीद के रखते थे और अगला दिन हेमंत टीवी शो में लोगों को एडवाइस करता था कि आप शेयर खरीदो, और ये जो जया और हेमंत है या जया और श्याम है या एक दिन पहले खरीदे हुए शेयर अगला दिन बेच देते थे, ऐसे ट्रांजैक्शन इन्होंने किए हैं। एनएसई में उन्होंने कमाए हैं 1.66 करोड़ जया के नाम पे और श्याम के नाम पे उन्होंने कमाए 1.25 करोड़ रुपए। बीएससी में उन्होंने दोनों ने मिला के 4 लाख रुपए कमाए हैं, ऐसे पैसे उन्होंने कमाए हैं। सेबी ने यहाँ पे एपटेक का भी एक हवाला दिया है कि एपटेक का उन्होंने ऐसा बोला है कि 8 जनवरी को ये दोनों ने क्या किया है, 52,000 शेयर खरीदे थे और ये खरीदे हैं 159.15 रुपए के हिसाब से, और टोटल उन्होंने खर्चा किया था 82.76 लाख रुपए का खर्चा किया था। ये 8 जनवरी को ये दोनों ने खरीदे थे, 9 जनवरी को, बट ऑब्वियसली हेमंत घई है उन्होंने टीवी पे एडवाइस दिया, तो ये दोनों ने अपने एक दिन पहले खरीदे हुए 8 जनवरी को खरीदे हुए शेयर 9 जनवरी को बेचने को निकाले 52,000, और ये शेयर उन्होंने बेचा 183.19 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और दोनों ने कमाए 12.5 लाख रुपए ये ट्रांजैक्शन के जरिए। तो सेबी ने एकदम डिटेल रिकॉर्ड दिया है कि कब कब खरीदे थे, कितना बजे खरीदे थे और क्या व्यवहार हुए है इसमें। आगे सेबी ने अपने को इनके कॉल रिकॉर्ड की भी जानकारी दी है, मतलब सेबी ने ऐसा बोला है कि ये कॉल रिकॉर्ड भी हमने चेक किए हैं और ये कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए भी सेबी को नजर आया कि ये जो हेमंत घई है ये एक्चुअली वो जो कंपनी है एमएएस कंसल्टेंसी उसके साथ टच में रहा करते थे। तो सेबी ने यहाँ पे अपने को वो एक बताया भी है, क्लियरली प्रूफ दिया है कि एमएएस कंसल्टेंसी है जहाँ पे जो इक्विटी रिसर्च और इक्विटी एनालिस्ट हुआ करते हैं परेश रावल, उनके साथ हेमंत घई जो है फोन पे बात किया करते थे। तो यहाँ पे सेबी को और एक प्रूफ भी मिल गया था, पहला प्रूफ तो उन्होंने एपटेक का एक उन्होंने एग्जांपल दिया था, दूसरा प्रूफ उन्होंने ये दिया है कि ये जो परेश रावल और हेमंत घई ये दोनों के बीच में बातचीत हुआ करती थी, परेश रावल ने इनको 38 का पार्थ रावल ने उनको 38 कॉल किए है और हेमंत घई है उन्होंने पार्थ रावल को 42 कॉल्स किए है, और ये कॉल जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 के दरमियान हुए है। साथ ही साथ भावेश पटेल करके उसी कंपनी में काम करते हैं उनके साथ भी इनकी बातचीत होती रही, ये भी सेबी ने एक एग्जांपल दिया है। आगे सेबी ने ऐसा बोला है ये दोनों के साथ अगर हेमंत घई की बातचीत होती थी तो आगे सेबी ने ऐसा बोला है कि ये दोनों जो है जया और श्याम इन्होंने जो शेयर खरीदी विक्री की है जो डीलर के थ्रू करी है वो डीलर भी पार्थ रावल ही हुआ करते थे, तो पार्थ रावल के थ्रू भी ट्रांजेक्शन एंटर करे है जया और श्याम ने। इसका मतलब हेमंत घई जिनके साथ बातचीत करते थे उनके साथ ही ये दोनों के डीलिंग भी होता था, डीलर ये दोनों का सेम हुआ करता था जिनके साथ हेमंत घई बातचीत करते थे। तो सेबी को ये भी प्रूफ मिला है, केवाईसी डिटेल्स का भी सेबी ने प्रूफ निकाला है कि सेम एड्रेस है करके, और सेबी ने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिया है कि प्रैक्टिकली कैसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं और कैसे पैसे बनाए गए हैं, ये भी एग्जांपल लिया है। तो सेबी ने फाइनली एक ऑर्डर इशू किया है, आइए जाते हैं हम सीधा ऑर्डर पे कि क्या ऑर्डर पास किया है सेबी ने। सेबी ने उनको तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए है। तो सबसे पहले सेबी ने ऐसा बोला है कि हेमंत घई, जया घई और श्याम मोहिनी घई जो है इनको सेबी ने बोला है कि जब तक हम आपको डायरेक्शन ना दे तब तक आप खरीदी बेचना और डील करना सिक्योरिटी का आप नहीं कर सकते हो, मतलब उनको सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री करने के लिए मना किया है जब तक सेबी डायरेक्शन ना दे, ये दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी व्यवहार नहीं कर सकते शेयर मार्केट में। आगे सेबी ने बोला है कि इनके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिनके ओपन पोजिशन से वो उनको बोला है कि आप क्लोज करो 3 महीने के अंदर आप क्लोज करो, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किए रहेंगे मैं 3 महीने बाद तेरे को शेयर बेचूंगा
ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, 1 महीने बाद में तेरे को शेयर बेचूंगा। तो सेबी ने बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ओपन पोजीशंस रहेंगे, जो आपने ऑलरेडी एंटर किए हैं वो आप क्लोज कर दो जल्द से जल्द, मतलब 3 या तो आप 3 महीने के अंदर क्लोज करो, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है तब आप क्लोज करो, ऐसा सेबी ने बोला है। उनको बोला है कि आपके जो ऑब्लिगेशन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाए हैं, पे इन और पे आउट, वो आप सेटल कर सकते हो। सेबी ने आगे उनको ऐसा ऑर्डर दिया है कि हेमंत घई जो है उनको बोला है कि आप अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं करोगे, किसी को भी खरीदना और बेचना शेयर्स का उसके रिलेटेड रिकमेंडेशंस नहीं दोगे, साथ ही साथ आप कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते हो शेयर मार्केट रिलेटेड। ये बात भी उन्होंने बोली है कि हेमंत घई आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे बोला गया आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो बहुत पेन हो जाएगा। तो ऐसी ये बड़ी सजा मिली है हेमंत घई को, क्योंकि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया। आपके पास पावर आती है करियर में तो आप लोगों को अपने एडवाइसेज देते हो और लोग आप पे ब्लाइंडली भरोसा रखते हैं, तो अपने पावर का मिसयूज करके पैसे कमाने की कोशिश करी। तो सेबी के डायरेक्शन आने तक हेमंत घई आप कुछ एडवाइसेस नहीं कर सकते। साथ ही साथ सेबी ने उनको ऐसा बोला है कि आपके जो बैंक अकाउंट है ये सारे के सारे बैंक अकाउंट आपके फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप एक एस्क्रो अकाउंट नहीं बनाओगे। सेबी ने इनको क्या बोला है कि आपने 2.95 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो सेबी ने बोला है कि आप एक एस्क्रो अकाउंट बनाओ नेशनलाइज बैंक में, वो अकाउंट में आप नौ 2.95 करोड़ डिपॉजिट करो, तभी आपके सारे बैंक अकाउंट है वो रिलीज हो जाएंगे, तब तक आपके बैंक अकाउंट जो है वो रिलीज नहीं होने वाले हैं। सेबी ने उनको ऐसे भी बोला है कि आप सारे जो असेट्स है, मतलब मूवेबल और इमूवेबल असेट, मूवेबल मतलब ज्वेलरी वगैरह, इमूवेबल असेट मतलब जो हम बोलते हैं कि बंगला बोलते हैं या फिर जमीन बोलते हैं, ये सारे इमूवेबल असेट्स है, ये आप कुछ भी नहीं बेच सकते जब तक आप एस्क्रो अकाउंट में 2.95 करोड़ नहीं जमा करते। एस्क्रो अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसपे सेबी का कंट्रोल रहेगा, सेबी के परमिशन के खिलाफ वो अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं होंगे। और जब तक ये लोग एस्क्रो अकाउंट में 2.95 करोड़ नहीं भरते, तब तक उनका रेगुलर जो बैंक अकाउंट है वो भी सेबी ने फ्रीज करके रखा है, वो अकाउंट में कोई भी डेबिट नहीं होने वाला है, कोई भी खर्चा वो लोग नहीं कर सकते। ये बात भी सेबी ने बोली है कि डेबिट नहीं हो सकता वो अकाउंट से। तो सेबी ने उनको ऐसा भी बोला है कि हमने जो ऑर्डर दी है, ऑर्डर देने के 5 दिन के अंदर आपने आपकी सारी इन्वेंटरी देनी है, आपके पास कौन से असेट्स है उसका आपको लिस्ट बना के देना है, मतलब कौन सी ज्वेलरी है या फिर कौन सी कार है या फिर जमीन या फिर आपका घर, ये सारी जानकारी आपको सेबी को देनी है 5 दिन के अंदर, जो खुद के नाम पे है या फिर खुद आप ज्वाइंटली किसी के साथ आप ओनरशिप ले रहे हो उसकी, तो भी आपको देना है पूरा लिस्टिंग। सेबी ने सारे डिपॉजिटरीज को भी बोला है कि आप इनके डीमैट अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं करोगे या फिर डेबिट नहीं करोगे, जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक आप ये सब नहीं कर सकते। साथ ही साथ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को भी बोला है कि आप इनके अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं डाल सकते जब तक हमारी परमिशन ना हो, तब तक आप ना इनको कोई ट्रांसफर करने दोगे ना कुछ रिडीम करने दोगे इनके अकाउंट से यूनिट्स का। सेबी ने सीएनबीसी आवाज को भी उन्होंने ऑर्डर दिया है। सेबी ने उनको बोला है कि आप सीएनबीसी टीवी पे आप अपने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी आप इसके जरिए सारे दुनिया को बता दो कि आपके जो व्यूअर्स है, मतलब जो टीवी देखते हैं, उनको आप सबको बता दो कि हेमंत घई जो है उनके खिलाफ सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है, कि सेबी के जो रूल्स है उसको वायलेट किया है, इसके कारण सीएनबीसी को उन्होंने बोला है कि आप अपने टीवी पे वो दिखा दो, अपने चैनल से वो लोगों को बता दो। तो ये एक इंटरिम ऑर्डर है जो हेमंत घई है उनको भी अपने पक्ष रखने का मौका सेबी देने वाली है, मतलब 21 दिन के अंदर वो जाके सेबी को बताएंगे ऑर्डर मिलने के बाद कि वो अपने अपने हम साइड रख सकते हैं और उसके लिए डेट और टाइम फिक्स की जा सकती है, ऐसा सेबी ने बोला है। तो आपके इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।